नमस्कार, आप देख रहे हैं दी एंगल। मैं हूं आपके साथ एकता राठौर। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 81वें मन की बात कार्यक्रम को किया संबोधित, देशवासियों से की नदियों को लेकर चर्चा। उत्तर प्रदेश में आज शाम को कैबिनेट का होगा विस्तार, मंत्रियों को लेकर लगाई जा रही है कयास, 6 से 7 मंत्री ले सकते हैं शपथ। राजस्थान में आज रीट भर्ती परीक्षा 2021 का आयोजन, कड़ी चेकिंग के बाद परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में मिली एंट्री। आज एक बार फिर डीजल के दामों में 27 पैसे की बढ़ोतरी, पेट्रोल के दाम स्थिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के 3 दिवसीय दौरे के बाद भारत लौट आए। पीएम मोदी का विमान आज पालम एयरपोर्ट पर उतरा। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एयरपोर्ट पर मौजूद थे। एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों के साथ पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। अमरीकी दौरा समाप्त होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने आज विश्व नदी दिवस पर नदियों की महत्वता को लेकर चर्चा की। इसी के साथ पीएम ने कहा कि उन्हें मिले उपहारों की जो नीलामी चल रही है, उससे जो पैसा आएगा वो नमामि गंगे को ही दिया जाएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के समारोह के तहत जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भारतीय वायुसेना द्वारा एयर शो का आयोजन किया गया। इस मौके पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी उपस्थित रहे। इस एयर शो की थीम गिविंग्स टू योर ड्रीम है। बता दें, इसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर के युवाओं को विमानन क्षेत्र की ओर आकर्षित करना है। एयर शो में स्काई डाइविंग टीम आकाशगंगा ने अपना जौहर दिखाया। इस दौरान पैराशूट्स ने अपना कमाल दिखाया। यूपी में करीब 4 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए आज शाम को कैबिनेट विस्तार किया जाएगा। बताया जा रहा है कि 6 से 7 मंत्री शपथ ले सकते हैं। मंत्री पद की शपथ लेने वाले नेताओं के नाम की घोषणा जल्द हो सकती है। दरअसल 4 महीने बाद होने वाली यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए मंत्रिमंडल विस्तार को काफी अहम माना जा रहा है। यह लंबे समय से प्रतीक्षित था। अब मंत्री पद की शपथ लेने वाले नेताओं के नाम को कर कयास लग रहे हैं। सोमवार यानी 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस है। इस मौके पर प्रदेश में राज्यस्तरीय समारोह का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री निवास पर शाम 4 बजे होने वाले इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुख्य अतिथि होंगे। वहीं पर्यटन राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोडासरा इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। कार्यक्रम में मुख्य सचिव निरंजन आर्य, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव कुलदीप रांका समेत पर्यटन विभाग के कई अधिकारी भी शामिल होंगे। राजस्थान में आज रीट परीक्षा 2021 का आयोजन हो रहा है। परीक्षा सेंटर्स पर पुलिस की कड़ी निगरानी में अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। इससे पहले कड़ी सुरक्षा के बीच सभी अभ्यर्थियों को एंट्री दिलाई गई। प्रदेश के सभी सेंटर्स पर गाइडलाइन के अनुसार मंगवाई गई सामग्री के अलावा किसी भी अन्य सामग्री को नहीं ले जाने के आदेश दिए गए। महिलाओं के गहने, बालों के रबर बैंड, क्लेचर व चुनरी आदि भी उतरवा दिए गए। अन्य सभी अभ्यर्थियों के हाथ से बैंड, दोरे और ब्रेसलेट को खुलवा दिया गया। परीक्षा को लेकर कई दिन से शासन प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी में है। शिक्षकों के 31,000 पदों के लिए देश भर के 25,35,582 अभ्यर्थी दो पारी में परीक्षा दे रहे हैं। इसके लिए प्रदेश भर में 3,993 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। रिंगस में रीट के परीक्षार्थियों के लिए आमजन ने पलक पावड़े बिछाए। रीट अभ्यर्थियों को नगरपालिका प्रशासन सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भी अपनी सेवा दी। परीक्षार्थियों के ठहरने व खाने की माकूल व्यवस्थाएं कराई गई। पालिका अध्यक्ष अशोक कुमावत, उपाध्यक्ष अमित शर्मा सहित अधिसाक्षी अधिकारी हरिनारायण यादव ने इस दौरान मॉनिटरिंग करी। वहीं अधिसाक्षी अधिकारी हरिनारायण यादव ने इंदिरा रसोई में रीट परीक्षार्थियों के साथ बैठकर इंदिरा रसोई के भोजन को चखा। अभ्यर्थियों ने भी प्रशासन और सामाजिक संगठनों द्वारा की गई व्यवस्थाओं की सराहना की। बता दें, रिंगस के 6 परीक्षा केंद्रों पर 2,250 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। और यहाँ आके अरेंजमेंट बहुत अच्छे हैं, यहाँ के सब लोगों को बहुत अच्छे से रखा है, खाना पीना सब अच्छे प्रॉपर अरेंजमेंट्स। कैसा माहौल लग रहा? अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा, पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। इसमें बहुत अच्छा प्रोग्राम देखा है, यहाँ पे लेडीज और जेंट्स दोनों की अच्छी व्यवस्था है। हाँ, अलग अलग व्यवस्था है, बहुत अच्छा मुझे सिस्टम लगाएगा। और यूपी से आए गोरखपुर से, जैसे कि वो एक होता है ना कि अतिथि देव भव वाला जो फीलिंग होती है, वो यहाँ पे आके देखने को मिली है बराबर। यहाँ पे लोगों ने जो यहाँ पे बच्चे आए हैं पेपर देने के लिए, उनके साथ साथ हमने गाड़ी की भी व्यवस्था की गई है, जो यहाँ पे बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा। प्रथम बार राशन इतिहास में 16 लाख विद्यार्थी बैठे हैं, उसी को देखते हुए हमने रिंगस कस्बे में भी एक ऐसी व्यवस्था की है कि आने वाले अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। नगर पालिका रिंगस के सहयोग से, हमारे यहाँ स्वयं से संस्थाओं के सहयोग से, संबंध संस्कृति के सहयोग से हमने 8 स्थानों पर रुकने की व्यवस्था की। 8 प्रमुख स्थान ऐसे हैं जहाँ पर गड्ढों की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, स्नान की व्यवस्था और संपूर्ण जगह खाने की व्यवस्था की गई। आज एक बार फिर डीजल के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की गई।
हालांकि पेट्रोल के दाम स्थिर रहे, डीजल की कीमतों में 27 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जिसके बाद डीजल के दाम 98 रुपये 31 पैसे प्रति लीटर पहुंच गए। वहीं पेट्रोल की कीमत अभी 108 रुपये 19 पैसे पर स्थिर है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।